वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। भ्रष्टाचार का पर्याय बने मेरठ के RTO ऑफिस में आज एक बाबू को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया बाबू 3 ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 7,500 रुपए मांग रहा था। इसकी शिकायत निसाड़ी गेट अहमदनगर निवासी अफजाल ने एंटी करप्शन विभाग से की थी। गिरफ्तार किए गए बाबू का नाम मुंशीलाल है। वह मांग ने पूरी होने पर अफजाल की फाइल को लटकाए हुए थे। अफजाल पर बादशाह कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। बाबूलाल को नौचंदी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पीड़ित अफजाल ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। तो आपको जी मोहम्मद अफजाल भाई कितने पैसे दिए, क्या ये 2500 रिक्शे के पास के लेते हैं और ये काफी दिन से लोग परेशान कर रहे थे। रिक्शा कौन सा? हाँ ये हमारा मेरा डीलर से पे मेरी बात से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रिक्शा देखता भी हूँ, चलाता हूँ। ठीक है, उनसे कह रहे हैं गरीब लोग इतना पैसा कहा मानते नहीं है। ठीक है, मजबूर होकर सब चेक करना। तो आज कितने पैसे की डील? 7,500 दिए ने 3 रिक्शा पास की। अच्छा, काफी दिन से रोक रखे थे इन्होंने। ठीक है, वो कहे जब पैसे नहीं दूंगे तो मैं करूँगा, तो इसकी शिकायत करी। हाँ शिकायत। वहीं उषा तोमर इंस्पेक्टर एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ ने यह जानकारी दी। मैम टीम ने एक बाबू को पकड़ा है रिश्वत लेते हो, कहाँ से किस तरीके से ट्रेस करा, क्या है पूरा? हमारे भ्रष्टाचार निवारण संगठन में मिस्टर अहमद अफजाल द्वारा एक शिकायत की गई कि वो RTO ऑफिस में सहायक वरिष्ठ सहायक बाबू उनसे उनकी ई रिक्शा के RC बनाने के संबंध में रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद में रिश्वत मांग रहा, 3 रिक्शाओं के बदले 7,500 रुपये रिश्वत मांग रहा है, जिसमें उसने देने के लिए मना करा, लेकिन अगले दिन वो फिर गया तो वो नहीं माने। उसके बाद उसने उसका एक शिकायती प्रार्थना पत्र भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रभारी अधिकारी को दिया, जिस पर उच्चाधिकारीगणों के निर्देशानुसार टीम गठन के साथ RTO ऑफिस परिसर में वरिष्ठ सहायक बाबू मुंशीलाल जी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके लाए, जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही, मुकदमा पंजीकरण किया जा रहा। सर ये रिश्वतखोरी का काम कब से चल रहा था, कुछ पता चला? ये तो कुछ पता नहीं चल पाया जी, कब से चल रहा है। कितने रुपए रिक्शा लेते हैं? जैसा कि उसने शिकायतकर्ता ने बताया कि एक ई रिक्शा की RC बनाने के बदले में 2,500 रुपये मांग रहे हैं, उसकी 3 ई रिक्शा थी, 3 के 7,500 रुपये उसने मांगे, नहीं देने पे उसने अपना परिचय दे दिया। मैडम मैं उषा तोमर, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरे। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।